सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता फैलाने के लिए दो पहिया वाहन रैली निकाली गई। इसे हरी झंडी दिखाई कलेक्टर और एसपी ने। सड़क सुरक्षा सप्ताह इन दिनों मनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपनी तालमेल के साथ सड़क पर चलने के नियमों, उससे होने वाले लाभ हानि के बारे में लोगों को तरह तरह के प्रयास करके बता रहे हैं, जिससे आगामी निकट भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसी के चलते आज दो पहिया वाहन रैली का शुभारंभ स्थानीय कॉलेज चौराहे के पास विवेकानंद पार्क से कलेक्टर रीवा ने एसपी की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर की। झंडी कहाँ दिखाएंगे? देखिए, ये तो हम लोग सप्ताह इसलिए मनाते हैं कि लोगों में जागरूकता आए। एक्चुअल में हम लोगों का मानना है कि नियम तो सब जानते हैं, लेकिन पालन करने के लिए पीछे हटते हैं, जागरूकता नहीं है, अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ही इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। लोगों को ही मैसेज देंगे युवाओं को? हमारी जान बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप जब असुरक्षित गाड़ी चलाते हैं तो दूसरे की जान को तो खतरे में डालते हैं, खुद भी खतरे में जाते हैं। आज के डेट में भी सिग्नल का इशारे तोड़े जा रहे हैं, क्या कहना? दो चीज़ें हैं, एक तो जब कोई नियम तोड़ा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि जब लाखों लोग गाड़ी चला रहे हों और सैकड़ों लोग पालन कराने के लिए हों, तो हर आदमी को नहीं पकड़ा जा सकता है। ये तो हमारी खुद की जागरूकता होना चाहिए। अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं, मैं अभी अंडमान निकोबार गया था, वहाँ पूरी ट्रैफिक में लड़कियाँ हैं, महिला पुलिस है, और मैंने कभी उनको हाथ उठाते नहीं देखा। अगर सिग्नल होता है तो रेड वाइट लाइन की जेवरा क्रॉसिंग के पहले अपने आप गाड़ियाँ खड़ी हो जाती, वो भी भारत का हिस्सा है। तो लोगों को सेल्फ अनुशासन करना पड़ेगा, तभी ये व्यवस्था सुधर पाएगी। सर, यहाँ पे हेलमेट का बहुत कम उपयोग होता है। सभी सभी चीज़ों के लिए एक ही उत्तर है जो मैंने दिया है, हमें खुद अनुशासन रखना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा पहले और दूसरे की उसके बाद। लेकिन हम ये ना सोचें कि गाड़ी चला रहे हैं तो बाकी खतरे में, हम खतरे में नहीं है। प्रयास कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ काम कर सकें। ऐसा तो नहीं हम कहते कि एक बैठक में हम कुछ पूरे नगर की बात करेंगे, पर गूगल मैप का उपयोग करके हम कुछ पार्किंग प्लेसेस देख सकें, कुछ इसका डेटा एनालिसिस करके कुछ सड़कों को वन वे कर सकें, तो इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं। पहली बैठक हम लोग परसों बुलाने वाले हैं, इसके बारे में कार्रवाई करेंगे।